Hello everyone, this is Ashishan. This is another video on income from PGBP. Due to some technical issue, I couldn't stop the topic, that is zero coupon bond. Okay, we discuss the E point. This is the E point, that is discount on zero coupon bond. And I have told you that if you have SSE ko डिडक्शन मिलेगी दैट इज फ्रॉम P&L अकाउंट तो कितनी मिलेगी ऑन प्रोराटा बेसिस। मैं इसका आपको देखिए एग्जांपल के थ्रू सुनाता हूँ। देखिए फेस वाली कितनी है, जीरो कूपन बॉन्ड की 1000, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने इशू किए दैट इज 3000, इशू कितने भी किए एट रुपीज 850 ईच, डेट ऑफ इशू कब किया है 17th of May 2016 एंड डेट ऑफ रिडम्शन दैट इज 16th of May 2019 दैट इज आफ्टर 3 ईयर्स। Now we need to just discuss the allowability amount of discount in P&L account. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीरो कूपन बोन अगर कोई भी कंपनी अगर डिस्काउंट देती है तो उस पर प्रो राटा के बेसिस पे जो है कंपनी को यहाँ पर डिडक्टेबल अलाउड है, कहाँ से? P&L अकाउंट से। देखिए कैसे करेंगे। पहला स्टेप है कि आप देखो इसमें जीरो कूपन बोन की लाइफ कितनी है, दैट इज 36 मंथ्स। आपको ये पहले स्टेप निकालना है 36 मंथ्स। देन वी नीड टू सी द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितने नंबर ऑफ इशू डिस्काउंट इशू करें बॉन्ड्स दैट इज 1000, डिस्काउंट कितना है 158। सो देखिए कितना अमाउंट होगा दैट इज 4,50,000। नाउ वी विल डिवाइड दिस अमाउंट बाय 36 मंथ्स, बट वी नीड टू मेक श्योर दिस पॉइंट that number of the months consider only for 15 days or more, तभी वो 1 month count होगा, otherwise नहीं होगा। That means अगर मान लीजिए जैसे देखिए date of issue कब से है 17th of May 2016, ठीक है, तो देखिए issue तो उसके बाद से हुआ, उसके बाद से count फिर मई का जो month count होगा या नहीं होगा वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए मई में देखिए कितने दिन रह गए left, कितने रह गए that is 13 days, तो मई का मंथ जो वो अभी भी काउंट नहीं होगा इस केस में, ठीक है। सो 1 मंथ तभी कंसिडर होगा अगर वो 15 दिन या 15 दिन से ऊपर होंगे तभी 1 मंथ कंसिडर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्काउंट को हम 36 मंथ से डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल गेट दिस दैट इज 12,500। ये क्या आया आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट दैट इज अमाउंट आया पर मंथ, इतना डिस्काउंट है तो कितना अलाउड है कंपनी के लिए। देखिए कंपनी कब से रिडीम कर रही है दैट इज ऑन 16th मई 2019, तो कंपनी को डिस्काउंट कब से मिलेगा फ्रॉम द ईयर 16-17 से, कितना मिलेगा देखिए पर मंथ मिलेगा दैट इज 12,000 पर मंथ, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 9 कैसा आया आप देखो, काउंट कहाँ से करोगे इसको, जुलाई ऑनवर्ड से, मई नहीं होगा क्योंकि मई में अभी भी 15 डेज कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जुलाई, सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 9 मंथ्स हो गए। सो दैट मीन्स इन द ईयर दैट मीन्स इन द प्रीवियस 16-17 द कंपनी विल गेट डिडक्टेबल अमाउंट फ्रॉम P&L अकाउंट दैट इज 1,12,500। नाउ 17-18 में कितना होगा, पूरा का पूरा मिलेगा 12,500 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 1,20,000, सेम फॉर 18-19। नाउ कम टू 19-20, देखिए कब हुआ है रिडेम्पशन, कब हुआ 16 जून, तो देखिए कब से अकाउंट, तो ये देखिए अप्रैल मई जून, क्योंकि जून में देखिए 16 डेज हो चुके हैं दैट इज मोर देन 15 डेज, तो पूरा मंथ वो 1 मंथ काउंट हो जाएगा। सो 3 महीने हो गए आपके 19-20 के, तो कितना डिस्काउंट अलाउड होगा इन द प्रीवियस 19-20 दैट इज 37,500। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है डेबिट हो जाएगा इन P&L अकाउंट इन द सेपरेट प्रीवियस ईयर, ओके। सो ये था आपका ई पॉइंट दैट इज डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आई पार्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युटी फंड NPS that is National Pension Scheme and then Approved Gratuity Fund। देखिए आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, इन डिटेल सैलरी में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ग्रेचुटी क्या होता है,
एनपीएस कहता है, एसएफ कहता है, अब आरपीएफ कहता है। तो इसमें अगर कोई एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो पी एंड एल में डेबिट करने के लिए अलाउड है, क्योंकि एम्प्लॉयर का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा, तो ऑब्वियसली अलाउड होगा। नेक्स्ट जी पॉइंट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एसएएफ, एनपीएस, अदर स्टाफ वेलफेयर फंड। क्या मतलब हुआ कि एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या फिर वो अनरिकग्नाइज भी हो सकता है, एसएएफ सर अप्रूव्ड या नॉन अप्रूव्ड दोनों, एनपीएफ एंड अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम। यानी कि अगर एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स दीज स्कीम्स, तो भी जो है एम्प्लॉयर इसका बेनिफिट पी एंड एल में डेबिट कर सकता है। सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई, मतलब आपने एफ पॉइंट तो समझ आ गया कि एम्प्लॉयर अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है चलो वो तो पी एंड एल में डेबिट कर लिया, लेकिन एम्प्लॉय का तो वो तो अपना खर्चा है, वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें एम्प्लॉयर क्यों डेबिट कर रहा है? चलिए मैं इसको थोड़ा इन डिटेल आपको चेस सुनाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई एक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी जो है सपोज आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, किसके लिए? एम्प्लॉई के लिए। ठीक है, ये कौन है यहाँ पर? एम्प्लॉई है। देखिए बहुत ध्यान समझना, अच्छा अच्छा कंसेप्ट है ये। अब ए लिमिटेड जो पी एंड एल अकाउंट अपना मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो पी एंड एल में यहाँ पर क्या क्या लिखेगा? सैलरी लिखेगा, जो भी वो मान लीजिए मैं नाम नाम देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये कौन है, सपोज कोई आर पर्सन है, ठीक है, उसको दे रहा है, क्या दे रहा है वो? सैलरी दे रहा है, मान लीजिए वो 7 लाख की सैलरी दे रहा है, ठीक है। अब इस पे मान लीजिए आर का जो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आर पी एफ वो कितना है, सपोज 80,000, ठीक है, और मान लीजिए ए लिमिटेड का कितना है? वैसे देखिए सेम ही होता है, बट मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, इसलिए मैं अमाउंट जो है वो डिफर ले रहा हूँ, ठीक है, बट वो हमेशा देखना वो अमाउंट जो है वो सेम होता है, जितना एम्प्लॉयर उतना ही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सिर्फ मैं एक केस स्टडी दे रहा हूँ ताकि मैं आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए पहले तो सैलरी डेबिट कर ले, वो तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए वो पी एंड एल में क्या हो, क्या डेबिट करेगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो कि कितना अमाउंट है? 75,000 है, ठीक है। उसके बाद वो क्या डेबिट करेगा? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, कितना है? 80,000, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए पहले आप भूल जाइए, आप ये भूल जाइए कि यहां पर कुछ लिखा है, आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दैट इज 80,000, ठीक है, जब आर जो है यानी कि आर कौन है यहाँ पर? एम्प्लॉय है। वो जब ए लिमिटेड के पास जाएगा कि मेरा अब जो अमाउंट आप डिडक्ट कर दो, सर मतलब एम्प्लॉय तो कुछ जाता नहीं है। होता क्या वैसे इन पर्टिकुलर लाइफ में, होता क्या है कि ए लिमिटेड जब भी सैलरी रिलीज करेगा आर की, तो जितना भी उसका सैलरी पार्ट होगा वो उसमें से उसका जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको डिडक्ट करके नेट सैलरी उसके अमाउंट उसको उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, यही सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो 80,000 गया कहाँ? 80,000 तो वो ए लिमिटेड के पॉकेट में चला गया। सर पॉकेट में क्यों चला गया? वो तो गवर्नमेंट को वापस, वो तो गवर्नमेंट को देगा, जी हाँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए अभी भी उसके हाथ में है ना। देखिए ये जो 80,000 है ये तो अभी भी किसके पास है? ये ए लिमिटेड के पास है, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 224(10), एज पर सेक्शन 224(10), ये सेक्शन क्या कहता है कि जैसे ही कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करता है, ठीक है, तो वो उसकी इनकम में ऐड हो जाता है। आई रिपीट, एज पर सेक्शन 224(10), अगर कोई एम्प्लॉयर
इम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉयज यानी कि यहाँ पर आर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 80,000, 80,000 है, हम 80,000 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो डिडक्ट कर दिया, तो नेट सैलरी देगा वो, ठीक है, 7 लाख माइनस 80,000 नेट इज 6 लाख 20,000। सो 80,000 जब तक वो उस गवर्नमेंट को जो है देता नहीं है, डिपॉजिट नहीं करता, तब तक ये उसका इनकम बन जाती है एज पर सेक्शन 224(10), ठीक है। और वो इसको जो है एज पर एम्प्लॉयर को एज पर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट बाय प्रोविडेंट फंड, ए लिमिटेड नीड टू सबमिट और डिपॉजिट दिस अमाउंट विद इन 14 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ, विद इन 14th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ये उसको सबमिट करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही ए लिमिटेड आर की सैलरी रिलीज करेगा वो उसको एक नेट अमाउंट दे देगा, दैट इज 6 लाख 20,000। तो 80,000 जो है वो ए लिमिटेड के पॉकेट में चला जाएगा, दैट मीन्स ही नीड टू दैट मीन्स दिस कंपनी नीड टू डिपॉजिट दिस अमाउंट टू दी गवर्नमेंट। तो पीएफ के, ठीक है, पीएफ का रूल क्या है, पीएफ ने एक टाइम लिमिट सेट की हुई है कि हर एम्प्लॉयर को 14th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है ये अमाउंट जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा कहाँ पर, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अगर नहीं किया तो ये अमाउंट जो उसकी इनकम मानी जाएगी, नहीं वैसे तो करते ही हैं, नहीं किया तो फिर अगर ये इसको ये इनकम को उसको ये डिडक्शन लेनी है तो फिर ये अमाउंट उसको वो डेबिट के लिए अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तब जो है वो ये इसको अपना एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इसको डेबिट कर देगा। अब आप समझ रहे हो कि इसको डेबिट करने का मतलब क्या है, पहले इसको इनकम बनाया एज पर सेक्शन 224(10), ठीक है, फिर क्या करेगा वो 14 डे के अंदर उसको जो इसको डिपॉजिट कर देगा और फिर यहाँ पर वो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नंबर डेबिट कर देगा, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, हम उस पॉइंट पे कि क्या वो अमाउंट उसके लिए अलाउबल है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट एच पॉइंट, नेट एक्सपेंसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनिमल। देखिए अगर मान लीजिए किसी को कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहा है जो कि जैसे देखिए मिल्क डेयरी होती है, जैसे काओ है, ठीक है, तो वो पालतू जानवर जो पालते हैं, ठीक है, तो एक तरह से वो जो लाइक जो भी एनिमल तो उसकी एक पर्टिकुलर एसेट बन जाती है, ठीक है। तो क्या बोला हुआ इसमें, देखिए परचेज कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड, मान लीजिए उस एनिमल को वो जो बेच रहा है या फिर उसकी डेथ हो गई या फिर वो यूजलेस हो गया एनिमल, तो उस केस में जो भी वो सेल प्रोसीड होगी, परचेज कॉस्ट माइनस सेल प्रोसीड, वो जो नेट एक्सपेंस है वो अलाउड है, ठीक है। बट वो कब अलाउड है, इन द ईयर ऑफ डेथ और यूजलेस, इन द ईयर ऑफ डेथ और यूजलेस, उसी ईयर में जो उस पी इसको पी एंडल में डेबिट करने के लिए वो अलाउड है। नेक्स्ट पॉइंट आई पॉइंट, बैड डेट, ये कौन सा सेक्शन होता है, सेक्शन 1(7). देखिए आपको पता है बैड डेट बेसिकली बिजनेस के लिए होता है और बैड डेट आप जो है पी एंडल में डेबिट करते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, दैट द डेटर जो है उनको जो पर्टिकुलर नेम के नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है, तो नाम नाम के नाम से जो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ डेट हैज बीन टैक्स्ड इन दी अर्लियर ईयर, ठीक है, यानी कि उस अमाउंट पे उसने जो ऑलरेडी पहले टैक्स दिया हुआ है, तो वो तो नॉर्मली होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि पर्टिकुलर नेम से जो वो डेटर बनना चाहिए और उसी नेम से उसको राइट ऑफ भी करना है। देन जे पॉइंट, एसटीटी एंड सीटीटी, एसटीटी के यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, एनसीटीटी कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। देखिए जो लाइक स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो बेसिकली जो है एसटीटी सीटीटी को देना पड़ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उनका पर्टिकुलर जो है सिर्फ उसी से रिलेटेड यानी कि शेयर से रिलेटेड ही उनका जो है बिजनेस है तो ही वो कर सकते, दैट मीन्स ओनली फॉर शेयर ट्रेडिंग बिजनेस या फिर कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस, उन्हीं के लिए ये एक्सपेंस जो है अलाउेबल है पी एंड एल में डेबिट करने के लिए, बाकी सबके नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट, तो ये थे आपके एक्सपेंसेस अलाउड। अब आप पढ़ रहे हैं डिस अलाउड एक्सपेंस अंडर पीजीपीपी। देखिए कुछ अभी तो हमने पढ़ा है कि कितना अलाउड था, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं, कितने लिमिट तक हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से डिस अलाउड हैं। पहला पढ़ रहे हैं सेक्शन 37(2)(b)
क्या है ये, एक्सपेंसेस और एक्स एडवर्टीजमेंट। देखिए मैंने आपको डिडक्शन चैप्टर में आपको दो सेक्शन पढ़ाए थे, दैट इज 80 सेक्शन GGB एंड 80 सेक्शन GGC। 80 GGB किसके लिए था, इंडियन कंपनी के लिए था, एंड जो 80 GGC था वो किसके था, फॉरेन कंपनी के लिए था। तो इसमें अगर उसमें पॉइंट हमें पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर डोनेशन करती है तो 80 GGB या 80 GGC में डिडक्शन ले सकते हैं। बट यहाँ पर पॉइंट क्या बोला हुआ है, देखिए यहाँ पर पॉइंट बोला हुआ है कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है किससे रिलेटेड, इन एनी टाइप ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए आप बिल्कुल बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, एंड आपने जो है अपना कुछ एडवर्टीजमेंट जो है, या आपने क्या कर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन में आप अपने प्रोडक्ट की जो है आपने वहाँ पर प्रमोशन कर दिया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा किया है आपने, उससे रिलेटेड आपने जो भी खर्चा किया वो आपने किसको दिया, दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्टी पार्टी को दिया आपने। तो उस केस में एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, एज पर दी, ये मैं नहीं करा, वो इनकम टैक्स एक्ट करा है, कि अगर मान लीजिए आप बिजनेस रन कर रहे हो और आपने अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन में आपने अपना एडवर्टीजमेंट दिया है उस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो उसको एज पर इनकम टैक्स, उसको क्या बोला हुआ है ध्यान से देखिए, एज पर इनकम टैक्स उसको डीम्ड एज डोनेशन माना है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट इट इज डीम्ड एज डोनेशन। ओके, दैट मीन्स अगर डोनेशन माने तो क्या होगा, हैंस इट इज अलाउड फ्रॉम GTI। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, सेक्शन 80GGB एंड 80GGC। ठीक है, देखिए मैंने आपको सिंप्लीफाइड करने के लिए और अच्छे समझाया है, जैसे देखिए SSC है एक्सपेंडिचर, PGB में अलाउड होगा या GTA में, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए अगर कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी हो या रेजिडेंट कंपनी हो, तो उसके लिए डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी PGB पे तो है ही नहीं, ठीक है, बट GTA में अलाउड है, कहाँ पर, 80 GGB। और कोई नॉन कंपनी है, नॉन इंडियन कंपनी होगी, तो डोनेशन तो PGB में भी अलाउड नहीं है बट GGC में अलाउड है। कोई अगर इंडियन कंपनी या फिर रेजिडेंट कंपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू पॉलिटिकल पार्टी किया है तो PGB में तो अलाउड है ही नहीं, लेकिन इसको डीम्ड कर दिया एज पर सेक्शन 80, एज पर सेक्शन 37(2)(b), और कहाँ पर वो अलाउड होगा, डिडक्शन 80 GGB में, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी होगी तो उसके लिए कहीं पर भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना तो PGBP में ना ही GTA में, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट केस, दैट इज सेक्शन 37(2)(b). नेक्स्ट सेक्शन 38(2), क्या बोला हुआ है, इसमें पॉइंट ये बोला हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई भी एसेट जो कि बिजनेस के लिए यूज हो रही है, अगर वो बिजनेस और पर्सनल दोनों के लिए यूज हो रही है, तो उसमें हम प्रोपोर्शनली निकालेंगे कि कितना पर्सनल हो रहा है और कितना बिजनेस के लिए हो रहा है। तो जितना से बिजनेस के लिए है ना, वही अलाउड है, पर्सनल के लिए अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया कार का, मान लीजिए कोई कार है बिजनेस के लिए यूज हो रही है, पर्सनल के लिए यूज हो रही है, तो इसमें क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर विल डिटरमाइन द रेशियो ऑफ पर्सनल यूज। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसमें असेसिंग ऑफिसर ही जो है डिफाइन करता है कि कोई भी एसेट जो है कितना पर्सनल यूज हुआ है और कितना ऑफिशियल के लिए यूज हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जैसे देखिए कार में बोला मैंने रिपेयर, ड्राइवर, इंश्योरेंस, रनिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, ऑल दीज एक्सपेंडिचर आर प्रोपोर्शनेटली विल बी डिस अलाउड, ऑल पर्सनल एक्सपेंसिस विल बी डिस अलाउड, ठीक है। देखिए इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ऑपरिंग WDV ABC, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ एसेट है, उसकी वैल्यू कितनी है, डेट इज 20 लाख। एडिशनल परचेस किया कार डी, उसकी वैल्यू कितनी है, 12 लाख।
डेप्रिसिएशन हम मान के चलना यहाँ पर एज हम लेकर चल रहे हैं कि नॉर्मल कितना है, 15% है। तो देखिए टोटल कितना यहाँ पर, यहाँ पर ये 32 लाख, सो 32 का 15% कितना हो गया, 4,80,000। बट मान लीजिए वैसे देखिए आपको जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको गिवन होगा कि कितना पर्सनल और कितना ऑफिशियल है, ठीक है। बट मान लीजिए मैं पर्टिकुलर बात करूँ कि मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमाइन किया कि कार जो है सिर्फ पर्सनल 20% जो पर्सनल यूज हुई है, सो क्या करेंगे, जितना डेप्रिसिएशन आया उसका 20% ही जो अलाउड होगा, बाकी डिस अलाउड हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल कितना हुआ, 4,80,000, उसमें से 96,000 लेस कर देंगे, अलाउड कितना हुआ, 3,84,000, तो क्या बच गया, क्लोजिंग डब्ल्यू डी ए, ठीक है। तो यह था पॉइंट आपका सेक्शन 38(2). नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 40A विच इज रिलेटेड टू टी डी एस डिफॉल्ट। देखो इसको बहुत ध्यान समझना, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्या बोला हुआ देखो, एनी सम पेबल टू एन आर और आउटसाइड इंडिया, एनी सम कोई भी अमाउंट किसको पेमेंट की हुई है, नॉन रेजिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया की गई है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया की गई है, जिस पे विच इज बेसिकली टैक्सेबल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप जो है कोई भी पेमेंट कर रहे हो कहां पर, किसको कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो या फिर किसी किसी भी पर्सन को जो आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है, लेकिन वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल है, वो इनकम आपके लिए, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो यानी कि इंडिया में टैक्सेबल है, ठीक है। तो आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उस पर टी डी एस काटना पड़ता है, अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया को देते हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है कि आप उस अमाउंट पे जो है टी डी एस डिडक्ट करो। तो यहाँ पर आप किसकी बात करें, डिफॉल्ट की बात करें, तो देखिए डिफॉल्ट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट क्या है, या तो आपने टी डी एस डिडक्ट ही नहीं किया उस अमाउंट में, या फिर आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया विद इन ड्यू डेट ऑफ आई टी आर। तो दो तरह के यहाँ पर डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्या है, या तो आपने उस अमाउंट पे टी डी एस डिडक्ट ही नहीं किया, जितना भी अमाउंट पे करा आपने किसको किया, एन आर को या फिर आउटसाइड इंडिया को, या तो आपने डिडक्ट नहीं किया या फिर आपने उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं, चार्ट तो लिया लेकिन आपने उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, कब तक, विद इन द ड्यू डेट ऑफ आई टी आर। तो उस केस में क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए 100% ऑफ सच अमाउंट विल बी डिसअलाउड, यानी कि आपने कितनी भी पेमेंट करी हो, चाहे वो 1 लाख, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 1 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, तो पूरा पूरा 100% जो वो आपको पी एंड एल में डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉन रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन फ्यूचर, अगर आपने अपनी जो अपनी गलती करी उसको आपने ठीक कर दिया इन फ्यूचर, ठीक है, तो जिस ईयर में आपने उस गलती को ठीक किया उस ईयर में आप उसके लिए अलाउड हो, दैट मीन्स दैट सेम अमाउंट विल बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर, इट इज रेक्टिफाइड, ओके। सेकेंड पॉइंट, एनी सम पेबल टू रेजिडेंट इंडिया, देखिए ये दोनों पॉइंट वैसे सेम है, डिफरेंस यहाँ पर देखिए दो डिफरेंस है, पहला यहाँ पर आप पेमेंट किसको कर रहे थे, नॉन रेजिडेंट या फिर आउट इंडिया को, बट आप यहाँ पर पेमेंट किसको कर रहे हो, किसी रेजिडेंट पर्सन को कर रहे हो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ ऊपर यहाँ पर लिखा था कि विच इज टैक्सेबल फॉर, दैट मीन्स अगर आप पेमेंट करते हो आपके लिए वो अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि आप इंडियन पर्सन हो और इंडिया में वो इनकम टैक्सेबल हो रही है, ठीक है, और उस पर आपके लिए टी डी एस काटना है, आपके लिए लाइबिलिटी बनती है। लेकिन मैंने यहाँ पर यह पॉइंट लिखा नहीं है, दैट मीन्स एनी अमाउंट पेबल टू रेजिडेंट इंडिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर देखना पड़ेगा एज पर टी डी एस चैप्टर, यानी कि आपको टी डी एस चैप्टर में जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी पेमेंट पे आपको टी डी एस काटने के लिए मैंडेटरी है, कब कब किस कौन से पेमेंट पे आपके लिए टी डी एस काटने आपके लिए लायबिलिटी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एज पर टी डी एस चैप्टर, टी डी एस मस्ट बी डिडक्ट ऑन अबव अमाउंट ऑफ 2,40,000 ऑन रेंट। अगर आप किसी को कोई भी रेंट अमाउंट, जैसे मान लीजिए आप
किराए के घर पे रहते हो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए साल भर में आप 25 महीने का आपको 25,000 रेंट दे रहे हो, तो साल भर का कितना हो गया, 3 लाख हो गया, जो कि 2,40,000 से ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसमें बोला हुआ है कि अगर रेंट पूरे साल में 2,40,000 से ऊपर है, ठीक है, तो जो अमाउंट पे कर रहे थे, दैट मीन्स पेई मस्ट डिडक्ट TDS, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई अगर आप किसी रेजिडेंट पर्सन को कर रहे हो और TDS चैप्टर में बोला हुआ है कि आपको TDS काटना कंपलसरी है, ठीक है, तो उसमें डिफॉल्ट फिर से दो केस बनेंगे, या तो आपने TDS डिडक्ट ही नहीं किया, सॉरी, डिडक्ट ही नहीं किया, या तो आपने डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है, तो दो केस बनेंगे। तो देखिए पहला डिफरेंस क्या था रेजिडेंट को, दूसरा क्या था, यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट डिसअलाउड होगा 100%, यहाँ पर कितना होगा ओनली 30% विल बी डिसअलाउड, ओके। सेम वही है, अपॉन रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन फ्यूचर 30% ऑफ सच अमाउंट, 30% ऑफ दैट अमाउंट विल बी अलाउड इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रेक्टिफाइड, ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका, दैट इज सेक्शन 40A ऑन द TDS डिफॉल्ट। नेक्स्ट आप इक्विलाइजेशन टैक्स और यूट्यूब टैक्स। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर जो पढ़ेगा यूट्यूब टैक्स, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने नहीं लिखा हुआ है, बट ये कहीं पर लॉ में लिखा नहीं कि इसको यूट्यूब टैक्स बोलते हैं, मैंने सिर्फ इसको एक याद करने के लिए बोला हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, यूट्यूब टैक्स मैंने एक नाम दिया है, ठीक है। इक्विलाइजेशन टैक्स मीन्स यूट्यूब टैक्स। क्या बोला यहाँ पर, एनी सम पेबल टू NR फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज एक्सीडिंग ₹1 लाख, ध्यान समझिए, एनी सम पेबल टू नॉन रेजिडेंट फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज एक्सीडिंग ₹1 लाख, देन अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ टी ऑफ डिफॉल्ट। देखिए कौन सा डिफॉल्ट होता है, ये इक्विलाइजेशन लेवी, ये एक तरह का TDS का तरह ही है, ठीक है, मोर और लेस इट इज इक्विवेलेंट टू TDS, बट इसको नाम जो है डिफरेंट, दैट इज इक्वलाइजेशन लेवी। इसमें देखिए दो पार्ट के डिफॉल्ट है, या तो आपने डिडक्ट नहीं किया या तो आपने डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए आप यूट्यूब चलाना मान लीजिए आपका, ठीक है, अगर आपने एडवर्टीजमेंट सर्विस के लिए मान लीजिए आपने कोई भी पेमेंट किया यूट्यूब को जो कि 1 लाख से ऊपर की है, ठीक है, तो अगर आपने उनको जो आपने ऑनलाइन उस सर्विस के लिए अगर आपने 1 लाख से ऊपर पेमेंट कर रहे हो और उस पर अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, या डिडक्ट नहीं किया या फिर डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में वो पूरा पूरा 100% अमाउंट विल बी डिसअलाउड, अगेन अपॉन रेक्टिफिकेशन अलाउड इन फ्यूचर, दैट मीन्स इन इन दैट प्रीवियस ईयर इट इज रेक्टिफाइड, वो आपके लिए डेड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में देखिए यहाँ पर मैंने आपको टेबल फॉर्म में समझाया है कि आपको कब कब कौन कौन सी टैक्स जो है कब कब अलाउड है कब कब डिसअलाउड है। यहाँ से देखिए पहले बात करते हैं टैक्स, कौन सा टैक्स आपके लिए P&L में डेबिट करने के लिए अलाउड है, दैट इज इनकम टैक्स नहीं होगा, बाकी अदर टैक्स अलाउड है जो कि बिजनेस रिलेटेड, जैसे देखिए वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, तो वो अलाउड है। देन एडवांस पेमेंट तो वो अलाउड ही नहीं है इनकम टैक्स की, बट अगर कोई और अदर टैक्स का कोई एडवांस पेमेंट होगा तो वो अलाउड है। देन प्रोविजन या रिजर्व, प्रोविजन रिजर्व किसी भी नाम का हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या किसी भी अदर रिलेटेड टैक्स का हो, प्रोविजन या रिजर्व तो वो टोटली डिस अलाउड है, ओके। देन इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई और अदर टैक्स है तो वो अलाउड है। देन पेनल्टी, पेनल्टी कभी अलाउड नहीं होती एक्सेप्ट इन दिस केस, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन दिस केस पेनल्टी इज अलाउड। देन एक्सपेंस ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, ये तो टोटली आपके लिए अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये अच्छा पॉइंट है क्लास, देखिए ध्यान से देखिए, एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है सैलरी को, सैलरी दे रहा है किसी भी एम्प्लॉय को, पेमेंट कर रहा है सैलरी, तो आपको अच्छे से पता है कि सैलरी जो है P&L डेबिट के लिए अलाउड है, ठीक है। बट मान लीजिए कि जो पेमेंट और सैलरी है अगर उसका ब्रेकअप देखें तो कितना है, अगर आप मॉनिटरी टर्म्स में देखें तो कितना है 16 लाख है, उसके साथ साथ उसको कुछ परक्विजिट भी मिल रहे हैं, दैट इज फॉर 8 लाख, ठीक है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंप्लॉय, ये सॉरी ये इंप्लॉय है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में, दैट इज 24 लाख। ठीक है, अब एम्प्लॉय बोलता है एम्प्लॉयर को कि देखिए ये जो आपने 8 लाख रुपए जो आप मुझे फैसिलिटी दे रहे हो, चाहे वो कार फैसिलिटी दे रहे हो या मेडिकल दे रहे हो, वो तो मनी टर्म में है नहीं, और वो मेरी सैलरी में टैक्सेबल अमाउंट जुड़ गया और मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं आपकी कंपनी में काम भी करूँ। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर बोलता है अग्री हो जाता है कि परक्विजिट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी टैक्स होगा, यानी कि जो भी अमाउंट आपको टैक्स देना पड़ रहा है ओवर दी मॉनिटरी टर्म ऑफ सैलरी, तो उसका जो टैक्स का वो कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर को बोला कि मेरी टैक्सेबल इनकम 24 लाख रुपये होगी, दैट इज 24 लाख। ठीक है, इस पे मान लीजिए टैक्स बना सपोज 2 लाख, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए एज्यूम टैक्स ₹2 लाख। एम्प्लॉय बोलते हैं एम्प्लॉयर को कि आपने मुझे जो परक्विजिट दी है, चाहे वो कोई भी फैसिलिटी दी हो, मेडिकल हो गया, कार हो गया, स्वीपर हो गया, गैस होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसकी वजह से वो सारी फैसिलिटी मेरी इनकम में ऐड हो गई, सैलरी में ऐड हो गया, और मुझे इस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं वो फैसिलिटी क्यों दूँ, क्यों लूँ, जबकि वो मेरी सैलरी का पार्ट ही बन गया, मुझे मनी टर्म में कुछ बेनिफिट मिला भी नहीं, और मुझे उल्टा मनी टर्म में मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अग्रीमेंट बन जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। मान लीजिए एम्प्लॉयर जो अग्री कर देता है, अग्री टू पे टैक्स ऑन परक्विजिट, यानी कि परक्विजिट से रिलेटेड कोई भी टैक्स हो तो वो कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। जैसे देखिए टोटल कितनी इनकम है 24 लाख, ठीक है, और टोटल टैक्स कितना हुआ 2 लाख, तो हम 8 लाख पे टैक्स निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, दैट इज 66,667। ठीक है, यहाँ देखिए कितना अमाउंट आया, फैसिलिटी की वजह से यानी कि परक्विजिट्स की वजह से जो कितना अमाउंट आया, 66,667। टोटल अमाउंट कितना है टैक्स का, दैट इज ₹2 लाख। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, ये अमाउंट मैं कर दूंगा, बाकी आप तो पे करोगे अपना अपना। ठीक है, तो अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर क्या करेगा कि जो भी 24 लाख जो भी अमाउंट पे करेगा उसको, तो उसका टीडीएस कटेगा कितना, 2 लाख, 2 लाख नहीं कटेगा, कितना कितना कटेगा वो, 24 लाख, 24 लाख माइनस दिस अमाउंट, क्योंकि ये तो अमाउंट तो वो तो अब एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो तो टीडीएस कटेगा नहीं इसका, तो वो एम्प्लॉयर कितनी पेमेंट करेगा, नेट पेमेंट कितनी पे करेगा, 24 लाख माइनस 1,33,333। ठीक है, अब देखिए आप सोचिए एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो वो सैलरी पे कर रहा है तो वो तो पी एंड एल में अलाउड है ही, और जो टैक्स दे रहा है वो भी तो अपनी जेब से दे रहा है, तो वो भी तो पी एंड एल में डेबिट करेगा। यही बात हो रही है कि एज पर सेक्शन 40A दिस अमाउंट इज डिस अलाउड, दिस प्रोपोर्शन इज अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिस अलाउड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 40A(2), दैट इज पेमेंट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, मान लीजिए आपका कोई एक कार का शोरूम है, ठीक है, आपके पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी गाड़ी आ गई जो इसमें कुछ सर्विस करानी पड़ रही है आपको उसको बेचने से पहले, तो आपने क्या करा, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव पार्टी है, ठीक है, आपने उसको बोला, आपने बोला कि इस कार को ठीक कर दो, मार्केट में उसकी जो वैल्यू है सर्विस की, मान लीजिए कितनी आती है, 20,000 आती है, बट आपने उस रिलेटिव पार्टी को 24,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा, बस इसी की बात की है। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी रिलेटेड पार्टी को एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, दैट इज ₹4,000, दिस 4,000 विल बी डिसअलाउड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। नेक्स्ट, सेक्शन 40A(3), पेमेंट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹10,000। देखिए ये सेक्शन हमने कितनी बार अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, 40A(3), दैट इज अगर आपने कोई भी पेमेंट टू अ सिंगल पर्सन, टू अ सिंगल बिल, टू अ सिंगल डे, इन अ सिंगल डे, अगर आपने 10,000 से ऊपर पीक पेमेंट किया है, तो वो पूरा पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। ये तो हमने बात कर ली थी हमने। अब इस सेक्शन में आपको इन डिटेल बताऊंगा क्या क्या है और क्या क्या है, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड, प्रिस्क्राइब्ड
कौन कौन से अकाउंट, पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो वो अगर आप इन सबसे करते हो तो अलाउड है, अदरवाइज 100% डिसअलाउड। बट देर आर सम एक्सेप्शंस, क्या क्या हैं इसमें अलावा, एज पर रूल 6DD, अगर पेमेंट किसको की है, फार्मर को की है, गवर्नमेंट को की है, पेमेंट आपने बैंक हॉलीडे वाले दिन की है, पेमेंट आपने LIC, UTI या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है, ठीक है, तो वो अमाउंट आप चाहे कैश में कितनी भी करो तो वो आपके लिए 100% अलाउड है, ओके, अदरवाइज डिसअलाउड। बट देर इज अ नोट, अगर आपने पेमेंट GTA गेम नहीं है, GTA GTA क्या है ये, GTA GTA गेम नहीं है, ये क्या है आपका, बेसिकली ये वो होते हैं जैसे जो ट्रक चलाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बड़े बड़े पेमेंट करते हैं तो उनके लिए जो ये इन कैश में ये अलाउड है, बट कितना, उनकी लिमिट 10,000 से लेकर बढ़ाकर कितनी है 35,000, बट अगर वो 35,000 से ऊपर की, यानी कि 36 भी हो गया, सो फुल अमाउंट विल बी डिस अलाउड, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 40A7, दैट इज अगर कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर ने टूवर्ड्स अनअप्रूव ग्रेच्युटी रिकॉर्ड तो वो डिसअलाउड है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पहले ही पता था। देन सेक्शन 40A9, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में कितना इंक्लूड है, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट आपने पे किया तो वो पूरा पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए अगर NPS में 12% हुआ तो 2% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या 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 इंक्लूड होगा, बेसिक सैलरी प्लस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ DA, दैट 2% अमाउंट विल बी डिसअलाउड, ओके। देखिए मैं आपको उसको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ, मान लीजिए कोई एक एक्स पर्सन है, वो कौन है, एम्प्लॉई, इसकी जो बेसिक सैलरी है मान लीजिए कितनी है, 1 लाख, इसको DA कितना मिल रहा है, 60%, दैट इज 60,000, टोटल कितना हो गया, 1,60,000। अब यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है दैट 50% ऑफ सच अमाउंट, 50% कितना है, वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है, ठीक है। तो अब ये माने जो कोई कंपनी है, कोई भी सपोज ए लिमिटेड कंपनी है, तो उसके लिए कितना अमाउंट वो डिस अलाउड होगा वो हम यहां देख रहे हैं। मान लीजिए कोई ए लिमिटेड कंपनी है, उसने NPS में कंट्रीब्यूशन करा सपोज 12%, 12% कितना होगा देखिए, 1,60,000 का 12% कितना होगा, 2,30,400, ये ए लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट करा। अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं अलाउेबल अमाउंट, NPL कितना अमाउंट होगा देखिए, तो कितना होगा देखिए, 1,00,000 तो बेसिक सैलरी होगा होगा, ठीक है, लेकिन 60,000 नहीं लेंगे, सिर्फ 30,000 लेंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, कितना हो गया, 1,30,000, ठीक है। अब इसका अब हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, ठीक है, और अगर मान लीजिए पर मंथ सैलरी है तो ×12 कर देंगे, कितना अमाउंट रहेगा, दैट इज 1,56,000, नाउ दिस अमाउंट इज अलाउड इन P&L, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट जो हो गया वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, ओके। नाउ नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 43B, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 43B, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज हैं, एम्प्लॉय ड्यूज हैं या बैंक ड्यूज हैं, अगर ये सारे पेमेंट अगर विद इन द ड्यू डेट ऑफ ITR पे कर दिया तो सारा सारा अलाउड होगा, बट अगर आफ्टर ड्यू डेट हुआ तो डिसअलाउड हो जाएगा। गवर्नमेंट ड्यूज देखिए क्या क्या है, GST, एक्साइज, कस्टम, म्यूनिसिपल टैक्स, वैट,
पेमेंट टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ एसेट। एम्प्लॉयज यूज क्या कहोगे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू RPF, अप्रूव्ड SPF, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, NPS, बोनस, कमीशन, लीव इंकशमेंट। सो दीज आर दी एम्प्लॉयज ड्यूज। बैंक ड्यूज का क्या है देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस फॉर स्केड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, PFI, SFC, SSSC, दीज आर ऑल बैंक ड्यूज। तो ये सारे सारे जो हैं अलाउड हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कि कौन कौन से खर्चे जो हैं PN से डिस अलाउड हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। रेस्ट टॉपिक वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू।